फतेहाबाद में नशीली चाय पिलाकर 120 महिलाओं से रेप करने वाले कुख्यात जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। बाबा को नाबालिग से रेप करने पर पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 14 साल की कैद हुई है। वहीं महिलाओं से रेप केस में 7-7 साल समेत 5 साल की कैद हुई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेगी। वहीं बाबा को आर्म्स एक्ट के केस में बरी कर दिया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील संजय वर्मा ने कहा कि जिस एक्ट में बाबा बरी हुए हैं उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जैसा जुर्म बाबा ने किया है उसमें कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए थी या फिर फांसी। को जो अलग अलग तौर पे 7-7 साल की सजा हुई है उनकी इंक्लूड मिला के टोटल अगर शुरू से लेके एंड तक सजा मानी जाए तो 14 साल की ही मानी जाएगी। 14 साल में से 4.5 साल जो पिछली काट चुके हैं जी वो कटेगी इसमें बिल्कुल इंक्लूड होगी, सेटअप होगी, सेटअप होगी और इसमें मानी जाएगी। इसमें आज मान लो जैसे 14 साल की सजा हुई है तो इसमें 4.5 साल ये लेस हो जाएंगे इसके। हमें एक बार ऑर्डर आने दें उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर में क्या उन्होंने क्लियरिफाई किया है। अलग अलग अगर हमें अपील में जाने की जरूरत पड़ी तो कुछ सेक्शन में जो बरी हुए हैं उसमें भी हम हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे। और हम इस सज़ा को देखा जाए तो हम तो यही कहेंगे कि इसको उम्र कैद होनी चाहिए थी। और इस तरह का जो एक्ट करता है उस बंदे को तो कम से कम फांसी की सज़ा से कम तो होनी नहीं चाहिए। नहीं आर्म्स एक्ट में इन्होंने काकबे लाइसेंसी बंदूक थी उसके पास इसलिए उसको बरी किया जाए। जो बाबा का घर था जी वो उसका क्या होना है जी? वो देखो वो कानून का काम है। कानून को अगर कोई नोटिस उससे आता है तो उसके बाद देखते हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे कि भाई हरियाणा सरकार और भारत सरकार जो कानून के तहत कर रही है जिनके गिरा रही है मकान तो अगर इसका भी आता है तो गिराया जाए हमें। जलेबी बाबा को 7 जनवरी को सजा सुनाई जानी थी। तब तक बहस पूरी न होने पर इसे 9 जनवरी के लिए टाल दिया गया था। हालांकि 9 जनवरी को भी कोर्ट ने कुछ और जानकारी मांगी जिसके बाद सजा को और टाल दिया गया। लेकिन जब मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई तो बाबा रो पड़ा और रहम की अपील की। इससे पहले भी कोर्ट में पेशी के दौरान बाबा ने रोने का ड्रामा किया था। बता दें कि जलेबी बाबा उसके पास आने वाली महिलाओं को चाय में नशे की गोली खिलाकर उनके साथ घिनौना काम कर उनकी वीडियो बनाता था। बाद में उनको ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठता था। बदनामी के डर से महिलाएं किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। ऐसे में एक महिला ने हिम्मत कर 2017 को टोहाना थाने में बाबा के खिलाफ शिकायत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर।